Hello and a very good morning to all the students. Today we will do our chapter number 12, The Porter. It's a short poem. So now have a look at the next page so that we can learn more about the poem. Have you seen porters make earthen pots? Read the poem by Chitra Padmanabhan to see how their earthen pots help us beat the heat in extremely hot summers. अभी देखो इस पोएम में हम लोग क्या लर्न करेंगे. अगर आपने कभी देखा होगा पॉट्स कैसे बनते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि वो एक व्हील होता है एंड ओवर दैट दे यूज टू पुट सम मड एंड थ्रू दैट व्हील ओनली दे यूज टू मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. एंड हु इज द पोएटिस, द नेम ऑफ द पोएटिस ऑफ दिस पोएम इज चित्रा पद्मनाभन. And these pots helps us to keep our body cool during hot summer days by quenching our thirst. Now have a look at the lines of the poem. The summer sun smiles a scorching smile. The smile sends shivers. Now what is the condition of the sun? The sun is smiling means वो बहुत ज़्यादा bright हो रहा है and very hot हो रहा है. And क्या कर रहा है वो? The smile sends, एक तरह को वो उस स्माइल से the human being is going to get shaked. हम लोग not only human beings, all the earthen creatures are being shaked. Through the stoutest heart, the summer smile is a reason, is reason to sweat. But the porter's back with his cool lifeline. देखो summers कैसे होते हैं, हमारे हाथ को बिल्कुल hard कर देते हैं and जस्ट बिकॉज इट इज़ शेकिंग और हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाती है, हम लोग लेजी से हो जाते हैं. बट इट गिव्स अस द रीज़न टू स्वेट. ऑन द अदर हैंड पोटर्स जो पॉट बनाते होते हैं ना, दे आर वेरी बैक विद देयर कूल लाइफ लाइन बिकॉज उनकी लाइफ इसलिए भी कूल होती है बिकॉज दे आर सराउंडेड बाई मड. नेक्स्ट पैराग्राफ. अर्थन पॉट्स ऑफ एवरी साइज आर पाइल्ड अंडर अ टारपोलिन स्काई. अर्थन पॉट्स जो है दे आर ऑफ डिफरेंट साइज. पॉटर्स ने उसे क्या किया है, बना के दे हैव अरेंज्ड इट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड दे आर पाइल्ड अंडर अ टारपोलिन स्काई. टारपोलिन इज अ काइंड ऑफ मटेरियल थ्रू विच दे यूज टू कवर द पॉट्स और उन्होंने उसको कवर करके सेफली उसके अंडर में रख दिया है. वेटिंग टू फाइंड न्यू होम्स एंड सूथ थर्स्टी थ्रोट्स. और क्या वेट कर रहे हैं बोलो, पोटर किस चीज़ का वेट कर रहा है? दे आर वेटिंग अब सो दैट देयर पॉट्स विल गेट न्यू होम्स मीन्स वो सेल हो सके. और कुछ लोगों की वो थर्स्ट जो है वो उसकी क्वेंच को थर्स्ट को मिटा सके. देयर वाटर हैज़ मैजिकल टेस्ट द स्वीट स्मेल ऑफ वेट अर्थ. और ये जो वाटर होता है पॉट्स में दे आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. अगर आप एक फ्रिज के ठंडी बॉटल को पियोगे एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉट्स के वाटर को ड्रिंक करोगे देन वॉट विल हैपन, यू विल फाइंड दैट द टेस्ट ऑफ द बोथ द वाटर्स आर डिफरेंट. और सॉइल दैट कम्स अलाइव आफ्टर द फर्स्ट सीजनल शावर. अभी देखो यहाँ पे सॉइल को अलाइव क्यों, किसकी वजह से होती है? जस्ट आफ्टर जब शाज जब रेनी सीजन आ जाती है तो क्या होता है, अलाइव इसलिए हो जाती है बिकॉज इट इज़ रेडी टू गिव बर्थ टू न्यू क्रिएचर्स. जो भी सीड्स वगैरह सॉइल में पड़े होते दे वो क्या करते हैं, स्पाउट करना शुरू कर देते, ग्रो करना शुरू कर देते. दैट्स वाई यहाँ पे सीजनल शार को उसको कंपेयर किया गया है कि वो किस तरह से सॉइल को अलाइव कर दे रही है ऑल्दो इट इज़ अ नॉन लिविंग क्रिएचर. Some pots are small, like a baby's song. Some are round, a perfect O. अब देखो यहाँ पे उनके साइज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि सम पॉट्स आर स्मॉल एंड सम पॉट्स आर राउंड. मीन्स बेबी सॉन्ग से इसलिए कंपेयर किया गया है बिकॉज बेबी जो है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है. इन द सेम वे पॉट्स भी यहाँ पे स्मॉल साइज़ के हैं और कुछ जो है राउंड शेप के हैं. Some are tall with slender necks, like a curious gazelle looking ahead. कुछ की shapes कैसे हैं, उनकी necks बिल्कुल slender है, लंबी सी है और वो कैसे लग रहे हैं, curious gazelle. Now have a look at the meaning of curious. Curious means eager, we all know.
gazelle, a small antelope that has curved horns and a fawn-colored coat with white underpants found in African and Asia. गैजल जो है एक तरह का एंटीलोप होता है और उसमें उसकी क्या स्पेशलिटी होती है, उसकी हॉर्न्स जो है दे आर कर्व्ड शेप और उसके जो बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है वो लगता है जैसे कलर्ड कोट से कवर्ड है और अलोंग विद दैट विद अ वाइट अंडर पैंट्स और उसके जो पैंट का शेप होता है इट रिजेंबल्स लाइक अ पैंट ऑल्दो इट इज़ नॉट अ पैंट. ये कहाँ पे पाई जाती हैं इस तरह की एंटीलोप्स? दे आर फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया और इस तरह से लग रहा है कि वो दे आर मूविंग देयर हेड्स अहेड. दे वेट पेशेंटली अवेटिंग देयर टर्न टू बी टक्ड अंडर अ ग्रेटफुल आर्म और यहाँ पे पेशेंटली वो लोग वेट करते हैं सो दैट कोई आए और उन्हें परचेज करके ले जाए. एंड हैव यू सीन हम लोग जब पोर्स को होल्ड करते हैं तो उसको हम अपने आर्म्स में होल्ड करते हैं, नॉट इन आर हैंड्स. हम लोग कभी भी उसको अपने हैंड्स में ऐसे लटका के नहीं पकड़ते, वी आर्म्स में हम उसको पकड़ के रखते हैं टू कीप इट सेफ बिकॉज अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू ब्रेक. नोइंग दे गिव देयर बेस्ट द मोर द सन स्क्राउज द क्रॉसर इट गेट्स. जितना ज़्यादा हमें पता है कि इट इज़ गोइंग टू गिव देयर बेस्ट, पॉट्स जो है हमें सबसे बेस्ट क्यों दे सकते हैं? बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव सम कूल वाटर. द मोर द सन स्क्राउज द क्रॉसर इट गेट्स. जितना भी सन हीट दे ले और जितना भी वो एंग्री हो जाए देन ऑल्सो पॉट्स आर एबल टू गिव अस सम कोल्ड वाटर. ओके आई थिंक द पोएम इज क्लियर टू यू ऑल दो दिस सीजन इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज यहाँ से यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूसली यही पढ़ा है कि सन किस तरह से एक स्कॉर्चिंग हीट हमें देता है बट विंटर्स में यही स्कॉर्चिंग हीट हमें अच्छी लगती है. सो जस्ट इमेजिन की यूर इन समर डेज और किस तरह से हमें प्यास लगती है और इवन एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हमारे थर्स्ट को किस तरह से मिटाने की कैपेबिलिटी रखता है. ओके बाय बाय स्टूडेंट्स.